और अब बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाकर 3.25 करोड़ रंगदारी वसूलने वाले 7 शातिरों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि 8 आरोपियों ने दिल्ली के एक व्यापारी का अपहरण किया था और फिर उससे 2.75 करोड़ रुपए की वसूली की है। बहरहाल पुलिस ने 2.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं और इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाने का ये पूरा मामला सामने आया है। इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है और इस दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि इस गैंग में बताया जा रहा है कि एक महिला भी शामिल है। अब लगातार पूछताछ की जाएगी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2.75 करोड़ की वसूली का ये आरोप है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रही हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि एक महिला भी शामिल है जो कि इस गैंग की बताई जा रही है। उनके निर्देशन में एक टीम बनाई गई और उसमें हम लोग को बड़ी सफलता मिली, जिसमें हम लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार करा है और साथ ही साथ इस 3.25 करोड़ में 2.25 करोड़ रुपए की कैश की रिकवरी भी हमने कर ली है। सर, शशांक को त्यागी किस तरीके से जानता था, क्या उसको पता था कि इतनी मोटी अमाउंट एक साथ दे सकता है, वो भी कैश में? बिल्कुल, शशांक त्यागी बताया जा रहे हैं कि सहारनपुर से पूर्व से ही परिचित थे, पहले पड़ोसी हुआ करते थे और उसको कहीं ना कहीं पता था कि व्यापारी है और ये तुरंत ही इस तरह का कैश भी अरेंज कर सकते हैं। तभी इन्होंने फोन करके करोलबाग से और आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया से ये 3.25 करोड़ रुपए कैश की डिलीवरी भी करवाई थी। मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां हत्या की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया एक बदमाश पुलिस के गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमाचा, मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। मेरठ में मोबाइल शोरूम में पीपीई किट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अनोखे चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसके पास से करीब 25 लाख की कीमत के 78 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। देखिए, अहम बात तो ये बताई जा रही है कि टीवी पर क्राइम शो देखकर चोर ने वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। शातिर की करतूत जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसने पूछताछ में बताया है कि इसके पास कुछ, जहाँ पे रहने वाला है सुल्तानपुर का, वहाँ पे इसने कुछ उधार पैसे लिए थे, जिसको चुकता करने के लिए इस पर दबाव था, इस कारण से इसने ये चोरी की घटना की योजना बनाई। और ये पहले उस दुकान से मोबाइल भी खरीदा था, तो वहाँ पे इसका आना जाना था, इसने रेकी करके इसको घटना को अंजाम दिया। और अब खबर बलिया से, जहां पर पुलिस ने कार में लदे गांजे की बड़ी खेप को पकड़ लिया है। पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने तस्करों से 5 लाख की कीमत का 35 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने बांसडी रोड थाना क्षेत्र के टगरौली मोड़ से तस्करों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब तस्कर कार में गांजा लादकर मऊ गाजीपुर आजमगढ़ सप्लाई करने जा रहे थे। जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उसमें एक है श्याम नारायण यादव पुत्र सूबेदार यादव, जो आमघाट थाना बांसडी रोड का रहने वाला है, और दूसरा सुनील कुमार है जो कि जिला गाजीपुर का रहने वाला है। तो इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की कार्रवाई प्रचलित है। शेष जो अभियुक्त है उसके लिए भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। प्राइवेट बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 जिंदगी खत्म हो गई है। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र के रोशनपुर गांव की के पास की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में निजी कॉलेज में मंच से धार्मिक नारा लगाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। छात्र को मंच से
उतारने वाली प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है, तो प्रोफेसर को कॉलेज प्रबंधक ने सस्पेंड किया। वहीं पर आज हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी भी कॉलेज पहुंची और छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल हादसे, अर्थियों से भरी पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलटी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 18 दर्शनार्थी घायल हुए हैं। और ये हादसा जो है वो विंध्याचल दर्शन पूजन करते जाते समय हुआ है। लालगंज थाना क्षेत्र के कुसीरहरा जंगल के पास ये हादसा। बुलंदशहर में मिशन शक्ति और महिला जागरूकता को लेकर बीकॉम की छात्रा को 1 दिन का एसपीसीटी बनाया गया। एसपीसीटी की कुर्सी पर बैठकर तान्या वशिष्ठ ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। और तान्या ने बताया कि स्कूल और कॉलेज के आसपास पुलिस मुस्तैद जरूर रहती है, मगर पुलिस को कॉलेज के रास्तों पर गश्त करने की जरूरत है। पुलिस सभी के समस्या का तुरंत निस्तारण करना चाहती है, मगर कुछ समय का अभाव और कुछ झूठी शिकायतें इसमें बाधा बनती है। पुलिस काम करती है, पर ये होता है ना, बहुत सारी फरियादें होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी फरियाद दब के रह जाती है। बट ऐसा नहीं है, वो काम करती है उस पर भी कि इतनी सारी फरियादें होती हैं, रोज की फरियादें आती हैं, तो पुलिस पे भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस कुर्सी पे बैठने के बाद पता चला या इससे पहले? नहीं, आज इस कुर्सी पे बैठने के बाद मुझे ये चीज पता चली है। पहले क्या सोचती थी पुलिस के बारे में? कि लोग जाते हैं, फरियादें सुनते होंगे, वो नई एक्शन लेते होंगे, वो बिजी होंगे या पता नहीं क्या चीजें होती होंगी, उनके दिमाग में भी 4 चीजें चलती होंगी, तो नहीं होते एक्शंस। तो ये सारी चीजें हम पहले सोचते थे कि वो नहीं सुनते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।